दोस्तों हिंदी ट्रिक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं विराजदीप। और आज हम यहां पर दो नए ऑप्शंस देखेंगे। पहला है स्ट्रोक और दूसरा है बेवल एंड इम्बोस। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बस मैं टेक्स्ट में जाऊंगा और यहां पर मैं टेक्स्ट अपना यहां पर ले लूंगा। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट मैंने यहाँ ले लिया, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होता है स्ट्रोक का। अब स्ट्रोक बेसिकली करता है क्या है, स्ट्रोक का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी टेक्स्ट की आउटलाइन, ठीक है। बॉर्डर या आउटलाइन को हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आप साइज बढ़ाएं तो इस तरीके से आप उस टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ इसका क्या मतलब होता है, इनसाइड का। इनसाइड का मतलब होता है कि टेक्स्ट जहाँ से शुरू हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने अगर इसको स्ट्रोक में गया और मैंने अगर इसको इनसाइड रखा तो मतलब कि जो टेक्स्ट की जो मेन लाइन है उसके अंदर से स्ट्रोक चालू होगा। अगर मैंने इसको आउटसाइड किया तो ये टेक्स्ट की जो बाहर की जो एजेस हैं वहां से स्टार्ट होगा। और अगर सेंटर से मैंने किया तो ये सेंटर से आपका ये इफेक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली सेंटर अच्छा होता है क्योंकि बराबर आपको दोनों साइड से इक्वली आपको स्ट्रोक मिलता है। मैं इसको वापस से अनजूम कर देता हूँ और वापस जाता हूँ अपने इफेक्ट पर। और स्ट्रोक के अंदर जाने के बाद उसके बाद ब्लेंड मोड मुझे मिलता है। तो ब्लेंड मोड को आप नॉर्मली रखिए। ओपेसिटी की बात करें तो कितना ट्रांसपेरेंसी आपकी दिखेगी वो आप कम ज़्यादा यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको जीरो कर देंगे तो पूरा टेक्स्ट दिखेगा और अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो ये उस तरीके से दिखेगा। फिल अगर आपको करना है तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ से ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, मैं यहाँ से कोई सा भी ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकता हूँ तो आउटलाइन में आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप पैटर्न भी डाल सकते हैं, अलग अलग तरह के पैटर्न हमने देखे थे उस तरह के पैटर्न भी आप इसकी आउटलाइन में डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको कलर ही सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। कलर आप जो चाहे कलर वो आउटलाइन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये ऑप्शंस होते हैं स्ट्रोक के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको क्लियर लेयर स्टाइल कर देता हूँ, ठीक है। आगे अगला जो ऑप्शन है वो हमारा बेवल एंड इम्बोस, ठीक है। अब ये बेवल एंड इम्बोस ऑप्शन करता क्या है गाइज, ये बेवल एंड इम्बोस जो ऑप्शन है ये बेसिकली यूज होता है आपके टेक्स्ट को, आपकी ऑब्जेक्ट को 3D दिखाने के लिए। बस इतना ही इसका काम है और बाकी कोई काम नहीं। तो मैं इसको टिक करता हूँ तो आप देखेंगे जैसे टिक करूंगा मैं तो ये थोड़ा सा आपको 3D दिखने लगेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आते हैं इनर बेवल, आउटर बेवल, इम्बोस। तो अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद टेक्निक जो होती है वो आपको स्मूदी रखनी है और डेप्थ है। अगर मैं इसकी डेप्थ बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इसको आप 1000 तक कर सकते हैं। और एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। इसकी तो यहां पर डेप्थ जो है अगर मैं इसको कम कर दूं तो आप देखेंगे इसका इफेक्ट कम हो जाएगा और अगर इसकी डेप्थ बढ़ा दूं तो इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद डायरेक्शन जो है वो अप डाउन, मतलब कि आपकी जो आपका जो 3D का एंगल है वो किधर से होना चाहिए, ऊपर से होना चाहिए नीचे से होना चाहिए, वो आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को मैं अभी अप कर देता हूँ। अब इनर बेवल क्या होता है, इनर बेवल का मतलब होता है कि अंदर से आपको यहाँ का इफेक्ट मिलता है। अब अगर इसमें को आउटर कर दूं तो आप देखेंगे कि बाहर की तरफ आपको ये एडजस्ट मिलेगी और बाहर की तरफ इसकी शेडो आपको दिखाई देगी। इनर बेवल मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास इम्बोज भी होता है। इम्बोज का मतलब होता है कि आपको मतलब एक अलग ही डेप्थ वाला इफेक्ट आपको यहाँ से मिलेगा। आप ये अलग अलग पिलो इम्बोज होता है, उसके बाद स्ट्रोक इम्बोज होता है, ठीक है। स्ट्रोक इम्बोज में आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा, बाकी मेरे हिसाब से इनर बेवल जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आपको कोई भी 3D उसका टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है। उसके बाद आपके पास यहाँ होती है साइज। तो आप साइज को जैसे ही बढ़ाएंगे तो साइज से आपका ये जो इफेक्ट है वो कम ज़्यादा होगा। तो आप साइज को थोड़ा ही रखिए क्योंकि अगर आप मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो बहुत खराब दिखेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको इतना भी रखता हूँ तो ये अच्छा लग रहा है, या फिर इतना अगर साइज रखता हूँ तो जो 3D वाला इफेक्ट है वो मुझे इतने पिक्सल में आराम से दिखाई देने लगेगा। उसके बाद सॉफ्टनेस जो है, सॉफ्टनेस का सिंपली मतलब है कि वो थोड़ा सा ब्लर आउट कर देगा, आपको सॉफ्ट सॉफ्ट दिखेगा, ज़्यादा हार्ड एजेस नहीं दिखेगी। उसके बाद टेक्निक में हमने स्मूथ हमको मिली। उसके बाद चीजल हार्ड है, चीजल हार्ड आपको थोड़ा सा मतलब एक हार्ड एजेस दिखेंगी। और उसके बाद चीजल सॉफ्ट है, तो चीजल इसका नाम सॉफ्ट है बाकी ये बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर रफ एजेस मिलेगी। मतलब मेरे हिसाब से चीजल सॉफ्ट जो है वो और हार्ड है,
ठीक है, तो इसको स्मूद ही रखते हैं, स्मूद इफेक्ट अच्छा लगता है। तो हमने ये ऑप्शंस देख लिए, उसके बाद शेडिंग में हम आते हैं। ठीक है, शेडिंग में एंगल जो है, इस एंगल का मतलब होता है कि आपकी जो लाइट है वो किस एंगल से इस पर गिरेगी, वो यहां पर दिखता है। तो मैं इसको, इसका एंगल चेंज कर दूं, तो आप देखेंगे कि दूसरे एंगल से यहां पर लाइट गिर रही है। ठीक है, और ठीक है, इस तरीके से आप लाइट का एंगल यहां से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 180 कर देता हूं अभी के लिए। उसके बाद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड में आपके पास क्या होता है कि आपकी लाइट कितनी ऊंचाई से या कितनी नीचाई से इस पर गिरेगी, उसके लिए आप एल्टीट्यूड को यूज करते हैं। तो मैं यहां पर 50 दे देता हूँ। ठीक है, 50 डिग्री अगर दिया तो ऐसा दिखेगा, और अगर अगर 100 डिग्री दे दिया तो ऐसा दिखेगा। तो एल्टीट्यूड होता है वो लाइट की जो हाइट है उसको डिसाइड करता है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी के लिए मैं इसको 0 सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी जो साइज़ है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं इस तरीके से, एंगल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ग्लॉस कंटूर। ग्लॉस कंटूर आपको अलग अलग तरह के इफेक्ट देता है, कंटूर हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये आपको अलग अलग तरह के इफेक्ट देगा। सो मैं ये जो फर्स्ट वाला है उसी को सिलेक्ट रखता हूँ। अब आपके पास ऑप्शंस आते हैं हाईलाइट मोड के। तो गैस, हाईलाइट मोड में लाइटन स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज, लाइटन कलर, ये सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हाईलाइट मोड के लिए होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको लाइटन कर दूं तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, स्क्रीन ले लूं तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, हाईलाइट मोड होते हैं ये। ठीक है, इसकी ओपेसिटी हाईलाइट मोड की हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर एकदम जीरो कर दी तो एकदम जीरो हो जाएगी, अगर इसको मैंने बढ़ा दी तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, शेडो मोड में आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न और डार्कर कलर, ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास शेडो मोड में। तो आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसकी भी ओपेसिटी में कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अब ये ऑप्शंस होने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शंस होता है कंटूर। ठीक है, कंटूर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो कंटूर में आपको वही, आपके जितने भी कंटूर्स थे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं इसको बेसिकली यही सिलेक्ट करता हूँ, और इसकी जो रेंज है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि कंटूर का जो कितना, मतलब वो अफेक्ट करेगा आपके डिज़ाइन को, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटूर होने के बाद आप इस पर क्लिक करके अपना खुद का कंटूर भी बना सकते हैं इस तरीके से, इसमें आपके पास ऑप्शन होता है। तो इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम बेसिक ही रखते हैं। उसके बाद हम जाते हैं टेक्सचर में, कंटूर को मैं हटा देता हूँ, टेक्सचर में जाते हैं, टेक्सचर पर क्लिक करता हूँ मैं। तो आप यहाँ पर अलग अलग टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये मान लो टेक्सचर अप्लाई कर दिया, ये टेक्सचर अप्लाई कर दिया, तो ये आप इस तरह के टेक्सचर यहाँ पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टेक्सचर में अभी के लिए, एग्जाम्पल के लिए ये लेता हूँ, और उसके बाद इसका जो स्केल है उसको आप कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं, और डेप्थ जो है डेप्थ को भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्ट अगर करेंगे तो वो उसका इन्वर्ट वाला इफेक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। तो गाइज, ये ऑप्शन थे बेवल एम्बॉस और स्ट्रोक के। बेवल एंड एम्बॉस के आपके अंदर ये ऑप्शंस होते हैं, कलर टेक्सचर और स्ट्रोक आपका एक अलग ही ऑप्शन है। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिला होगा कि क्या ये ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन और स्टाइल्स रिमेनिंग रह गया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और ये सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।